totally. यार मुझे तो नींद आ रही है, कमरे तक उठ के कौन जाएगा। एक काम करती हूँ, अपनी छोटी हेड का फायदा उठाती हूँ, वैसे भी इस पे फिक्स तो आई जाऊंगी, यहीं सो जाती हूँ। यार परेशान हो गई हूँ, सर ढकती हूँ तो पैर खुले रह जाते हैं, पैर ढकती हूँ तो सर खुला रह जाता है। लंबी हाइट ने भी परेशान कर दिया। एक मेरी बहन है, कभी सोफे पे सो जाती है, कभी कुर्सी पे सो जाती है, और मैं यहाँ बेड पे भी नहीं आ रही हूँ। एक मेरे माँ बाप है, इतनी लंबी लड़की पैदा कर दी, उन्हें एक लंबा कम्बल भी ले आते। कैटरीना वाली ड्रेस है, इसको तो मैं 5 साल से ढूंढ रही थी। ओए माँ, ये तो मैं जरूर लूंगी, चाहे मुझे लोन क्यों ना लेना पड़े। इतनी मुश्किल से जाके ये ड्रेस मिली थी पूरे 5 साल बाद, भैया से जाके पूछती हूँ, क्या पता उनके पास कोई स्टॉक पड़ा हो नया, है ना। हाँ क्या पता मिल जाए साइज मेरे को बड़ा, इसमें बुरी लग रही है। इसमें बड़ा साइज मिल जाएगा एक। अरे भैया देख लो ना, क्या पता मिल जाए, एक बार देख लो आप। सॉरी मैम, ये लास्ट साइज है, इससे बड़ा साइज आता ही नहीं। ओह नो, ये ड्रेस इतनी मुश्किल से मिली थी, 5 साल से ढूंढ रही थी, ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा था मैंने उसे, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे स्टोर्स ठान मारे थे, कहीं नहीं मिली। एक यहाँ जाके मिली थी और वो भी साइज में छोटी रह गई। हे भगवान, आपने क्यों मुराया मुझे इतना लंबा। कितनी अच्छी लगी नई ड्रेस, तुझे कहाँ से मिली ये ड्रेस? अरे ये तो वही कटरीना कैफ वाली ड्रेस है, अजब प्रेम की गजब कहानी वाली। मुझे पता है ये कौन सी ड्रेस है, पर तेरे को कहाँ से मिल गई है? अरे मुझे पसंद आई है, सेक्शन से उठाई है मैंने, कितनी अच्छी लग रही है। और ये इतने सारे कपड़े, ये कहाँ से लाई तू? ये अरे ये सारे तो मैंने किड सेक्शन से उठाए हैं, तू भी उठा दे फटाफट। ओह शिट सॉरी, मैं भूल गई थी तुझे तो आएंगे नहीं। पर देख मैंने तो उठा लिए। चल ठीक है मैं चलती हूँ, तब तक मैं और ड्रेसेस देखूंगी, ठीक है। छुटंकी सी सारे कपड़े पहन लेती है, इतनी मुश्किल से ये ड्रेस मिली थी मुझे 5 साल बाद, और ये पहन के खड़ी हो गई। एक तो साइज नहीं आया, ऊपर से अब ये चढ़ाएगी वो अलग। भगवान आपने क्यों मुझे इतना लंबा किया, कोई भी ड्रेस नहीं आती मेरे को, इसको सारी ड्रेस आ जाती है, क्या पहनूं अब मैं। अबे नीचे बैठ, भाई चुनिया ला कुंगी दे मेरी शीशा नीचे करवाना पड़ेगा, मैं तो दिखी नहीं रही हूँ शीशे में, तू ही तो दिखे जा रही है, कब से अच्छे से रेडी हो रही है।
हाँ तो पापा ने मेरे लिए तो लगवाया ये शीशा, उन्हें क्या पता था कितनी चुईया जैसी बेटी पैदा हो जाएगी। चुईया मत बोल मुझे, समझी? हट चुईया। तो ढूंढ दे रहा अपने आपको इस शीशे में, मैं तो चली पार्टी में, बाय। इतना सा मुंह क्यों बन गया तेरा? अच्छा सुबह सुबह मम्मी ने काम बता दिया इसलिए। अब क्या कर सकते हैं, जितनी लंबी हाइट उतने बड़े काम, है ना? अब मैं तो छोटी सी हूँ, मेरा तो हाथ नहीं पहुंचता ना पंखे तक, तभी तो मम्मी हर संडे तुझे परेशान करती है ऐसे ही। नैन्सी पंखा साफ कर दे, नैन्सी ऊपर की शेल्फ साफ कर दे, नैन्सी ये नैन्सी वो, क्या कर सकते हैं। अब बड़ी हाइट है ना तेरी, बट मुझसे तो होगा नहीं, तो एक काम करती हूँ मैं सो जाती हूँ वापस। चुटकी तू क्या सो रही है, जल्दी उठ जा, सोफे के नीचे सफाई कर दे, जल्दी उठ जा। हाँ भाई सुन लिया, क्या बोल रही थी तू, है क्या बोल रही थी तू, चल चल जल्दी उठ। और ये बेड है ना, इसके नीचे ध्यान से सफाई करियो, बहुत सारा कूड़ा भरा पड़ा कई दिनों से, और बाहर जो सोफा है ना उसके नीचे भी घुस घुस के साफ करियो, चल चल जल्दी उठ जा। तो तू इतना खुश क्यों हो रही है, मम्मी ने तुझे काम नहीं बताया? हाँ यार सही कह रही है, ये हमारी मम्मी है ना हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, और ये मम्मी पापा ना दोनों की प्लानिंग रही होगी पक्का, पूरा प्लान करा होगा इन्होंने। एक तो लंबी बेटी पैदा करेंगे, एक छोटी सी बेटी पैदा करेंगे, ताकि लंबी बेटी तो ऊपर की सफाई कर दे और छोटी बेटी नीचे की सफाई कर दे। बहुत चला गए ये दोनों, तेरे माँ बाप। तेरे माँ बाप से मतलब क्या है, तेरे नहीं है? हाँ तो तेरे पे ही गए, मेरे पे गया। चल उठ जल्दी अब। मैंने तो कही था उतार दे। Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go.